आज हम बात करेंगे एलन मस्क के स्पेसएक्स ड्रैगन रॉकेट के बारे में और उनका स्पेसएक्स ड्रैगन रॉकेट जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट के साथ में ऑर्बिट में पहुंच गया है और इनका रॉकेट 7:27 इवनिंग में फ्लोरिडा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा के मिशन से टेक ऑफ हुआ था। अगर आप वेदर की बात करोगे तो वो 50 फेवरेबल चांसेस थे, फिर भी इनका लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो क्रू है ये लोग कैप्सूल में कम से कम 27 घंटे तक रहेंगे, जो कि प्राइवेट कंपनी ने बिल्ड किया है। और ये जो लॉन्च है इसे क्रू 1 मिशन से भी जाना जाता है। और इसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट गए थे उन 4 लोगों के नाम क्या थे और उनके जो नाम है वो इस प्रकार से है, माइकल हॉपकिंस, शैनन वॉकर और विक्टर ग्लोवर। ये जो 3 लोग हैं ये नासा की तरफ से थे और एक और एस्ट्रोनॉट है उनका नाम साउची नागुची है जो कि जापानीज एस्ट्रोनॉट है। और ये जो एस्ट्रोनॉट है ये वहाँ पर कब तक रह सकते हैं या रहेंगे, तो ये लोग वहाँ पर कम से कम 6 महीने तक रह सकते हैं। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये ऑर्बिट में कब तक रह सकता है, ये स्पेसक्राफ्ट कम से कम 210 दिनों तक ऑर्बिट में रह सकता है। और जानते हैं कि डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल स्पेस फ्लाइट डेवलपमेंट के सी फिल मैकएलिस्टर, ये जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम सी फिल मैकएलिस्टर है। जानते हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने ये कहा कि ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल कैपेबिलिटीज है कि वो लोगों को सेफली स्पेस में ले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।